साल के बच्चों का टीकाकरण होगा, ये खुद पीएम की ओर से ऐलान किया गया था। तो देर रात पीएम राष्ट्र से मुखातिब हुए, उनकी ओर से बताया गया कि ये शुरुआत होने जा रही है 3 जनवरी से, नए साल से शुरुआत होगी, टीकाकरण अभियान होगा। इससे पहले आप जानते हैं कि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किए जाने का काम पहले शुरू हो चुका था, एक बहुत बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेशन हो भी चुका है, वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन अब चूंकि ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है देश में, इसे तीसरी लहर के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब ऐलान ये किया गया है कि 15 से 18 साल के जो युवक हैं, जो किशोर हैं, उन्हें भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, 3 जनवरी से शुरुआत होगी। तो जो बच्चे दुकानों में काम करते हैं उनका भी डाटा मांगा गया है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, 15 से ज्यादा उम्र के, उनका भी डाटा मांगा गया है। तो ये रिकॉर्ड मांगा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, ताकि 18 से लेकर जो कम उम्र के 15 साल तक के बच्चे हैं, जो युवा हैं आप कह सकते हैं, उनको भी वैक्सीनेट किया जा सके। नकुल जसूजा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। नकुल, अब वैक्सीनेशन का जो दायरा है उसे बढ़ाया जाएगा, 15 साल से लेकर 18 साल के जो किशोर हैं उन्हें भी वैक्सीनेट किया जाएगा, क्या कुछ तैयारी जिले में? देखिए बिल्कुल ज्योति, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएमओ बुद्धराम की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो कॉलेजेस और स्कूल है जहां पर 15 से 18 साल के किशोर है उनका डेटा मांगने के लिए पत्र जो है कॉलेज और स्कूलों में लिख दिया गया है। इसके अलावा जो दुकानों पे काम करते हैं 18 साल के युवक हैं या 15 से 18 साल के जितने भी एज के जो युवक हैं जो वहाँ काम करते हैं, किस तरह का कोई काम करते हैं, इसके अलावा जो घुमंतू जाति के जो किशोर हैं उनका डेटा कलेक्ट करने के भी काम फिलहाल शुरू कर दिया है। तो प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद जो है वो इस तरह का डेटा स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जनवरी के पहले सप्ताह में ये ड्राइव स्वास्थ्य विभाग तमाम डेटा कलेक्ट करके और तैयारी में जुट गया है। और स्वास्थ्य विभाग का कहना ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो किशोर है वो वैक्सीनेशन लगवाए, यही उनका मकसद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नकुल जसोजा, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो ज्यादा से ज्यादा 15 साल से लेकर 18 साल तक के जो किशोर हैं वो वैक्सीनेट हो सके, ये स्वास्थ्य विभाग का प्रयास रहेगा। नकुल आपको बता रखे थे, तो डेटा मांगा गया है, रिकॉर्ड मांगा गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से चर्चा में।